रिचा के लिए आया है और मेरा जो है उधर से ही अभिषेक दे दिया। मम्मी का साड़ी को फॉल लगाने के लिए वही जिस शॉप से लिए है वही पे दे दिए। जब आ जाएगा तो आप लोग को दिखाएंगे। कल आ जाएगा ना माँ? कल मम्मी और रिचा दिखाती है आप लोगों को ये कैसा कपड़ा आया है रिचा का होली के लिए। तुम्हें दिखा रिचा का। मधुरपुरी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो देखिए सुबह होते ही पेट पूजा की तैयारी होने लगता है, कौन क्या खाएगा। तो देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं। अभिषेक को कद्दू का सब्जी बहुत पसंद पड़ता है, कद्दू भिंडी ही इसको अच्छा लगता है। तभी हम कद्दू का सब्जी कद्दू कटिंग कर रहे हैं और रिचा उधर देखिए बना रही है। तो थोड़ा सा रिचा को हेल्प कर दे रहा है, जल्दी हो जाएगा क्योंकि फिर बाबू उठ जाती है ना तो बहुत परेशान करती है। इसके पहले सब्जी बना ले और फिर नहा धो ले। और गाइस मैं अभी सुबह सुबह निकला हूँ फ्रूट्स लेने के लिए और नारियल पानी वगैरह मम्मी के लिए सबके लिए। तो चलिए अभी चलता हूँ जल्दी सा और लेके चलता हूँ घर। तो नारियल पानी और फ्रूट्स ले लेता हूँ। और ये देखिए सुबह सुबह हमारे रांची का नज़ारा, ये रहा हनुमान मंदिर मेन रोड का। तो मैं अभी जा रहा हूँ डेली मार्केट फ्रूट्स लेने के लिए, क्योंकि हमारे घर से पास में वो मार्केट है जहाँ पे अच्छे रेट में फल वगैरह मिल जाता है। तो मैं अभी वहीं जा रहा हूँ। तो गाइस फ्रूट्स वगैरह यहाँ से ले लिया हूँ जहाँ से मैं लेता हूँ हमेशा। देखिए तो यहाँ पे अंकल दे रहे हैं अंगूर भी। देखिए अंगूर काफ़ी मीठा है, ये मैंने अभी टेस्ट भी किया तो काफ़ी मीठा भी है अंगूर। तो ले लेता हूँ यहाँ से और निकलता हूँ फिर जल्दी से। गाइस फ्रूट्स वगैरह ले लिया हूँ, अब चल रहा हूँ नारियल पानी लेने के लिए। देखिए इधर कितना नारियल पानी मिल रहा है, यहीं से नारियल पानी ले लेंगे अभी। देखिए बहुत सारा है। गाइस मैं अभी आ गया जो फ्रूट्स लाने गया था और देखिए यहाँ पे इतने सारे फ्रूट्स लाया मैं अभी। तो चलिए अब देखता हूँ आगे का काम कर लेता हूँ फिर। तो गाइस देखिए सानवी भी उठ चुकी है और देखिए यहाँ पे इसको क्या कर रही हो, उछल कूद शुरू हो गया तुम्हारा, गिर जाएगी। देखिए तुम किनारे किनारे चलती है लेकिन गिरती नहीं है, समझदार है। तुमको पता है कि नीचे गिरेगी, उधर तुम किनारे किनारे आ जाएगी लेकिन गिरती नहीं है कभी, समझदार है बच्ची। देखिए इसका हो गया, हो गया यो। और देखिए कैक्टस को ली हुई है, डांसिंग कैक्टस को। डिस्चार्ज हो गया बाबू? हाँ डिस्चार्ज हो गया क्या? अरे डिस्चार्ज हो गया नहीं बोल रहा है, तो यही डांस कर रही है कैक्टस को लेके, है ना? हाँ। तो इधर रिचा देखिए मेरा ब्रेकफास्ट भी निकाल रही है और ये देखिए ब्रेकफास्ट मेरा निकल चुका है। ये रोटी है, रोटी में घी लगा देती है और ये है कद्दू का सब्जी। तो चलिए रोटी और कद्दू का सब्जी आज खाते हैं, प्लेन सिंपल सा खाना गर्मी के लिए। तो गाइस चलिए आज मैं अपने दूसरे वाले रूम में जाके खाऊंगा, तो चलता हूँ वहाँ पे, आज ब्रेकफास्ट वहीं पे करूँगा और वहाँ पे टीवी देखूंगा। टीवी देखने के साथ आज खाने का मन है, ब्रेकफास्ट करने का। क्या देखिए सानवी भी आ गई यहाँ पे, मैं यहाँ आया तो ब्रेकफास्ट करने के लिए और यहाँ पे आके देखिए कितना मस्त खेल रही है। और ये मेरा ब्रेकफास्ट जो अभी मैंने आपको दिखाया, रोटी है, कद्दू की सब्जी है और आलू मटर और गोभी की सब्जी। और इधर ये छेना है दूध का, उसमें गुड़ मिलाया हुआ है। तो ये रहा मेरा आज का हेल्दी ब्रेकफास्ट और मैं अभी ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ फिर अपने काम पे निकल जाऊँगा। बहुत सारा काम भी पेंडिंग है तो निकल के अभी काम वगैरह भी देखना है। और यहाँ सानवी खेल रही है, खेलते रहो बाबू ओए। और टीवी में अभी वाईफाई लग रहा है, नेट नहीं चल रहा है, तो देखिए अभी टीवी भी थोड़ा सा इस तरीके का कुछ। और सानवी भी मेरे साथ खा रही है, ब्रेकफास्ट कर रही है, देखिए कितना मस्त खाती है। आजा बाबू लो देखिए, है ना? रोटी लाना? नहीं अपने लिए नहीं लेंगे ना। दे रहे, रुको लो। देखिए क्या हाथ में फंसा ली है और इसी से खेल रही है। क्या है बेटा ये?
सानवी क्या है? ले 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 खा लो खा लो। तो अभी हम लोग आए हैं सानवी को वैक्सीन लगवाने के लिए यहाँ पे। इसको बदमाशी कर रही है, लगेगा तो रोएगी आज। रोएगी हाँ रोएगी। वही अभी हंस रही है तो रोएगी। बदमाशी कर ही रही है। देखिए अभी कहाँ जाओगी बाबू? हाँ कहाँ कहाँ? अरे बैठ जाओ अभी आएंगे डॉक्टर थोड़ी देर में। थोड़ा सा वेट कर लो। अरे बदमाशी इसका चालू है, अभी भी कंटिन्यूस चल रहा है बदमाशी। अरे लड़की नहीं। देखिए अब मेरे गोदन में आ गए, वहां से इसको मन नहीं लग रहा था। नहीं। देखिए अभिषेक के पापा अभी जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, क्योंकि अब तो होली बहुत एक दो दिन रह गया है, कल अग्जा है और परसों। हम लोग तो 26 को मना रहे हैं और आप लोग कब मना रहे हैं आप कमेंट में? 26 को 25 को होली नहीं 26 को है। तो अग्जा का तैयारी तो हो रहा है अभी। अग्जा चलेगा, बीच में एक दिन गैप है। अच्छा हाँ आंटी आप कब बना रहे हैं बताइए? हम लोग बना रहे मंगल को। मंगल को 25 को आंटी? 25 को 25 को चंद्र ग्रहण है, इसलिए बहुत लोग 26 लोग नहीं मना रहा है ना। 26 को ज्यादा लोग 26 को मनाएगा। अरे लोग दोनों दिन खेलेगा, देखो ना उससे दोनों दिन खेलेगा। खेलने में क्या बहाना मिल गया, एक और डाला बहाना मिलना चाहिए बस। और क्या मंगलवार को लोग चिकन मटन नहीं खाएगा, बहुत लोग 25 को मनाएगा। ठीक बोला, इसीलिए बहुत लोग 25 को मनाएगा। इधर देखिए मिस्त्री जी को कहाँ से उतर रहे हैं। ऊपर काम कर रहे थे, कारपेंटर है हमारे, ऊपर से आए काम करके भी उतर रहे नीचे। ठोक दिए? ठोक दिए हाँ। अच्छा रखिए। मिस्त्री जी क्या हाल चाल है? औजारों छोड़ दें। हाँ छोड़ दीजिए। मिस्त्री जी क्या हाल चाल है? बता दीजिए अपना हाल चाल। बना हाल चाल बताइए। ठीक है ठीक है साहब। तो अब अच्छा से रह रहे हैं ना? लड़ाई झगड़ा घर में नहीं ना हो रहा है? भाग गए ऐसा। देखिए पापा हेलमेट पहन के रेडी हो गया सामान लाने के लिए, छोड़ा सामान लाने के लिए। तो कुछ कुछ पापा को लाने जाना है, तभी पापा रेडी है। और देखिए हेलमेट लगा के बैठ गया, पहले से ही बैठ गया। हम लोग का हेलमेट लगा के जाने में लगता है कि सर लगता है भारी इतना लगता है। इधर मम्मी पापा का लिस्ट देखिए, तो पापा रेडी हो गया जाने के लिए प्रॉपर। और देखिए आंटी भी, क्योंकि होली का तैयारी जोर शोर से अब शुरू हो गया हमारे घर पे, क्योंकि होली में अब ज्यादा दिन नहीं है। आज 23 तारीख है ना? 23 है। कल लग जा है, बस उसके बाद होली ही है समझिए। दो दिन अब लोग खेल रहे हैं तो दो ही दिन होली होगा। तो अब चलिए पापा अब आते हैं सामान लेके, फिर आगे का आगे मिलते हैं आप लोग से। बाबू बाय कर दो। बाय दादाजी। बाय नहीं कर जाने के लिए तैयार हो गए दादा के साथ। जाने के लिए अभी तो बाय कर दो। उठ गई। हाँ चलो 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 हम लोग खाना खाते हैं। चलो हम लोग खाना खाएंगे। चलो डैडी खाना खाएगा, डैडी खाना खाएगा, तुम भी जाके खाना खाओ। चलो खाना खाते हैं हम लोग। जा डैडी खाना खाना है। तो गाइस सानवी को वैक्सीन के लिए लेके गए थे अभी हम लोग, तो आज खाना में थोड़ा लेट हो गया है। शाम भी हो गया, ऑलमोस्ट 6 बजने वाला है, देख सकते हैं आप लोग। तो 6 बजने वाला, तो आज मेरा लंच थोड़ा लेट हो गया क्योंकि सानवी को लेके गया था मैं और रिचा। तो रिचा भी नहीं खाई और मैं भी नहीं, तो हम लोग अभी खाएंगे, अभी लंच करेंगे। और इधर देखिए सानवी तो मजे में घूम रही है। तो चलिए गाइस अब लंच कर लेता हूँ जल्दी से, भूख भी काफी तेज का लगा है। और इधर रिचा देखिए गर्मा गर्म प्याज का पकौड़ा भी बना रही है।
इधर प्याज का पकौड़ा है, इधर गर्मा गर्म कढ़ाई है जिसमें तेल है और इसमें तला जा रहा है। तो अभी अभी खाएंगे हम लोग, लंच करेंगे। आंटी आप कर लिए लंच? हाँ कर लिए। क्या खाए? पापड़ का सब्जी। आंटी का खाना बहुत यूनिक यूनिक रहता है, पापड़ का सब्जी और रोटी। आपका हस्बैंड, आपका हस्बैंड क्या खाए? वही खाए। अच्छा, तो हस्बैंड को भी वही खिलाए, अपने भी वही खाए। चावल रोज नहीं खाते हैं? एक दिन चावल एक दिन रोटी। चलिए, आंटी का कुछ स्पेशल चलता है खाना वगैरह, और काफी स्पेशल खाना भी बनाती है, ऐसा ऐसा खाना जो हम लोग सुने भी नहीं है। टेस्टी टेस्टी बनाती। अब पापड़ का सब्जी आप लोग खाए कि नहीं कमेंट करके बताइएगा जरूर, कि आप लोग पापड़ का सब्जी खाए हैं या नहीं खाए। हम लोग तो पापड़, आंटी पापड़ का सब्जी कब खिलाइएगा? कब बना के ला देंगे? जब बोलिएगा तो हम अभी ही बोल देंगे। ये बोलिए कि कल खिलाएंगे। अब कल बोलोगे तो बना देंगे। कल बोलिएगा तो बना के ला देंगे आपको। ठीक है, चलिए। आप बोलिए घर में दिक्कत होता है। नहीं नहीं, आ जाएंगे, घर भी आ जाएंगे आपके, आप बुलाइएगा तो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सानवी को लेके आएंगे, सानवी को है ना? सानवी आपके घर में तो चलिए, अब भूख काफी तेज लगा, निकालो रिचा जल्दी खाया जाए। अरे देखिए रिचा निकाल रही है, मैं बैठ जाता हूँ मैं टेबल पे अपने। तो गाइज मेरा खाना निकल चुका है, और ये रहा चावल, और ये दाल है, दाल में घी डाला हुआ है, और ये प्याज का पकौड़ा है जो अभी बना है, प्याज का पकौड़ा हो तो खाना काफ़ी अच्छा है। चलिए, और ये कद्दू का सब्जी भी अभी चाले दी है, तो चलिए खा लेता हूँ, लंच को कर लेता हूँ जल्दी से। तो देखिए अभिषेक और रिचा थोड़ा गया था मार्केट में, गया था कि बुआ का वैक्सीन भी दिलवाना था, वैक्सीन दिलवा करके आ गया है। उसके बाद फिर मार्केट निकला, मार्केट से भी आ गया है, तो रिचा के लिए कपड़ा लेना था, तो क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि होली नज़दीक आया, होली नज़दीक क्या तो आ ही गया है, तो परसों तो होली है। हाँ, लग जा। सानवी भी काफी परेशान कर रही है। तो सानवी का तो ढेर सारा ड्रेस है, उसी में से पादे जी बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस है सानवी का, और रिचा के लिए आया है, और मेरा जो है उधर से अभिषेक दे दिया। मम्मी का साड़ी को फॉल लगाने के लिए वही जिस शॉप से लिया है वही पे दे दिए, जब आ जाएगा तो आप लोग को दिखाएंगे। कल आ जाएगा ना माँ? कल आ जाएगा, और ब्लॉग भी सिलाई कर देता है, कल आ जाएगा वो, काम हो जाएगा कल। और गाइस पापा का कुर्ता का जो कपड़ा था वो लेके टेलर के यहाँ दे दिया गया है, तो पापा का कुर्ता भी स्टिच होके कल शाम में देगा सर। कल शाम में दे देगा, तो पापा का जब कुर्ता आएगा तो वो भी आप लोग को दिखाएंगे कि पापा का कुर्ता कैसा है। तो चलिए आज आप लोग को देखने को मिलेगा कि रिचा के लिए मैं क्या, मतलब हम लोग दोनों साथ में ही गए थे, तो रिचा के लिए क्या लेके आए हैं चलिए आज देखते हैं। रिचा का होली का कपड़ा, जिसमें रिचा का नया लुक आप लोग को देखने को मिलेगा होली में, होली का लुक। तो चलिए देख लीजिए, मम्मी और रिचा दिखाती है आप लोगों को कि कैसा कपड़ा आया है रिचा का होली के लिए। तुम दिखा रिचा का, और देखिए यही कुर्ता हम लोग को तो काफी प्यारा लगा था, ये कुर्ता होली के अकॉर्डिंग, होली के अकॉर्डिंग सही भी है, कलरफुल और व्हाइट दोनों मिक्स है। देखिए पिंक कलर का भी अबीर लगाएगी रिचा, और हरा भी लगाएगी, ग्रीन भी, सब तरह का है, और व्हाइट तो रहता ही है। तो रिचा होली में यही पहनने वाली है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये कुर्ती कैसा लगा जो रिचा होली में पहनने वाली है। सानवी देखिए पहले ही तो मल्टी कलर पहनी हुई है, देखिए कैसे बनाओ सी कर रही है। रोई कितना आज, रोई कितना है तुम बताओ सानवी? सानवी आज कितना रोई है? रोई तो लेकिन बाप रे बहुत गजब रोई है, भयानक वाला रोई है, भयानक वाला। अब जैसे हो गया इतने हॉस्पिटल से आगे तो फिर बदमाशी शुरू, फिर भूल गई कि वैक्सीन लगा। आपको कपड़ा नहीं लिया है? चलो फिर सुई दिलवाते तुमको। अच्छा, भाभी भाभी कपड़ा नहीं लिया है, तो देखेंगे, कोशिश करेंगे भाभी के लिए भी कुछ हम लाएं, तो भाभी के लिए भी लाएंगे। और वैसे ये कपड़ा हम परसों दिए हैं, ब्लैक में है, तो नया ही है। अच्छा, ये भी मम्मी दी थी ना? हाँ दिए थे। तो कैसा लगा था आंटी आपको ये वाला जो मम्मी दी? अच्छा लगा, ठीक लगा, सिर्फ अच्छा नहीं लगा? ठीक लगा, फिर ठीक लगा। अच्छा अच्छा, मतलब कहना है दोनों तो एक ही है, ठीक या बढ़िया या अच्छा, सब तो एक ही है, नहीं? अच्छा मजाक कर रहे हैं।
टेंशन मत लीजिए। आंटी खुद ही का जोर से हंस रही है। देखिए आंटी कितना जॉली मूड वाली, देखिए कितना हंस रही है, देखिए मस्त एकदम। अब खूब आंटी अपने हस्बैंड को रंग लगाते हैं नहीं लगाते हैं? डर लगता है डर लगता है नहीं कोई नहीं खेलता है। लगा दीजिएगा तो चाहिए इस बार लगा दीजिएगा। नहीं लगाएगा उनको पसंद नहीं, उनको नहीं पसंद है। अच्छा तो यहाँ बोली आएगी खेलने के लिए? नहीं वो बोले कि शाम को तो मैं इसको देखने के लिए आएंगे एक दिन पहले। हाँ अच्छा बाबू को देखने आएंगे? शांति को देखने आएंगे वो होली के दिन, उसको लेके आना गोदी। तो आप लोग भी बताइए कि आप लोग के घर में होली का तैयारी चल रहा है कि नहीं जोरों से? जैसे हम लोग के यहाँ तो शुरू हो चुका है शॉपिंग वगैरह सब कुछ, और पापा भी अभी गए होली का ग्रोसरी का सामान लाने के लिए, क्योंकि होली में आप लोगों को पता ही है कि तरह तरह का चीज हम लोग घर में बैठ के बस सुबह से लेके शाम तक खाते ही है। मम्मी लोग बनाने में रहती है और हम लोग खाने में रहते हैं। आजकल तो थोड़ा कम भी हो गया है ना, पहले तो लोग पूरे मोहल्ले के लेडी लोग आती थी पूरा बाल्टी में रख। और ये सानवी का पहला होली है। हाँ, सानवी का फर्स्ट होली है जिसमें सानवी खेलेगी गुलाल से। सानवी इसको तो लगता है अच्छा। क्या से खेलोगी? गुलाल से आ? बोलो। तो ये सानवी का फर्स्ट होली है। देखिए शैतान को, देखिए शैतान को बताएंगे कमेंट में कि आप लोग होली कब मनाए, 25 और 26 का दोनों का। हम लोग भी काफी कंफ्यूज है, हम लोग हाँ, काफी कंफ्यूज है हम लोग, क्योंकि लोग कभी 25th बोल रहे हैं कभी 26th बोल रहे हैं। देखिए इसको दोनों दिन बनेगा वैसे तो। ऐसा हाँ। दोनों दिन बनेगा ही, लेकिन नॉनवेज खाने वाले तो लगता है कि 25 को ही मनाएंगे क्योंकि 26 ट्यूजडे पर रहा है शायद। भाई खाना पीना है, हम लोग तो नॉन वेज खाते नहीं है, हम लोग तो वेज ही खाएंगे। वेज में जितना भी चीज है सब कुछ चलेगा अच्छे से। वेज में बहुत आइटम बनता ही तो है। हाँ, वेज में खाने का कमी नहीं है, बहुत सारा कुछ है खाने के लिए। नॉनवेज वाले तो खाली नॉनवेज ही खाएंगे, उसके साथ कोई भी आइटम मिल जाए उनको कुछ अच्छा नहीं लगे। सिर्फ नॉनवेज, सिर्फ चिकन, लोग चिकन भी नहीं, सिर्फ मटन खाते हैं लोग बहुत। हाँ, और जो वेज खाता है उसमें बहुत आइटम चाहिए। बाबू गिरेगी तरह तरह का। देखिए इसको बदमाश को, और सानवी का शरारत थोड़ा देखिए बहुत। ऊपर आओ ऊपर आओ, ठंड लगेगा ना, खड़े हो जा बाबू। होली का दिन में भाभी आएंगे हम मेरा हेल्प करने के लिए। हाँ आंटी आइएगा, आइए आंटी। हाँ आंटी आएंगे, बोल रही आएंगे हमको हेल्प करने के लिए, खाएंगे बिना। आ जा आ जाओ, तो ऊपर 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 आओ, उसको चप्पल मिल गया। छी छी चप्पल नहीं, चप्पल नहीं, चप्पल नहीं, चप्पल नहीं, गंदा जी नहीं छूते बेटा। आ जा इधर, देखिए ठंड में चल रही है टाइल्स, उठा दो इसको, कोई उठाने तो ठंड लगेगा। देखिए कैसे दौड़ रही है, देखिए 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 इसको, पकड़ो नीचे, पकड़ो 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 इसको, पकड़ो पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो इसको, पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले। खिलौना लेने गई थी, सब तोड़ दिए खिलौना अपना, ये सब इसको बर्थडे में जितना भी खिलौना मिला है सारा का पोस्टमार्टम कर दिए, ये सबका पोस्टमार्टम कर चुके हैं। किसी का हाथ निकाल दिए, किसी का पैर निकाल दिए, किसी का मुंडी निकाल दिए, कुछ नहीं बचा, सबका कुछ ये उसमें से किसी का कैप है ऊपर का निकाल दी। देखिए अच्छा, तुमको तो पसंद आया ना रिचा, तुम तो अपने पसंद से लिए, तो कैसा लगा था तुमको? आप बताइए कैसा? हमको तो अच्छा लगा आंटी, कैसा लगा आपको? कपड़ा भी बहुत अच्छा है, मेरे को भी अच्छा लगा। समर के लिए बहुत अच्छा है, गर्मी में पहनने के लिए बहुत सही है, गर्मी में भी ये सब कपड़ा अच्छा लगता है। हां गर्मी में ठीक है। मेरा भी साड़ी जो है पश्मीना साड़ी है, अच्छा साड़ी है, बढ़िया। आप लोग कमेंट में बताएंगे, कल हम उसको दिखाएंगे आपको। तो मम्मी का साड़ी कल का ब्लॉग में आप लोग को देखने को मिलेगा कि मम्मी होली में कौन सा साड़ी पहनने वाली है। साड़ी है व्हाइट में ही है, हल्का हल्का प्रिंट है, तो हम आपको कल बताएं, कल दिखाएंगे। और कमेंट में आप बताएंगे कि रिचा का और मेरा साड़ी आपको कैसा लगा। साड़ी रिचा का साड़ी का है? नहीं मेरा साड़ी और रिचा का ड्रेस। अच्छा ड्रेस जो है, तो तुम्हारा साड़ी तो तुम दिखाई नहीं, तो आज कैसे बताएंगे? हाँ, आज वाले वीडियो में तो कमेंट में आप लोग बताइए कि रिचा का जो कपड़ा है, रिचा का जो ड्रेस आया है होली के लिए, वो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तभी बोलिएगा अच्छा, ऐसे ही अच्छा मत बोलिएगा। हाँ भाई, दिल रखने के लिए अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा कमेंट करके, रिचा का ड्रेस कैसा लगा। हम लोग को तो अच्छा लगा कि होली में सब कपड़ा ही अच्छा लगता है। और आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग होली में सबसे स्पेशल आप लोग को होली में क्या लगता है, खाने में मतलब आप लोग होली में क्या खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और होली में आप लोग किस तरीके से होली को सेलिब्रेट करते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा हम लोगों को।
तंग मत करो, तंग मत करो। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय 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 करो, बाय करो, बाय करो, बाय करो, टाटा सानवी, टाटा 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 टाटा।